सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वो हम लोग नवम वर्ग का जो है चौथा अध्याय जो कि इतिहास के विषय से लिया गया है, नाजीवाद, ठीक ना। इस नाजीवाद में हम लोग नाजी पार्टी के बारे में जानेंगे, हिटलर के बारे में जानेंगे, वर्साय की संधि है, वर्साय की संधि के बारे में जानेंगे और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, ये नाजीवाद जो पार्टी है, वह नाजीवाद पार्टी जो है बहुत ही जर्मनी वासियों के लिए जो है बहुत ही लोकप्रियता का शासन रहा है और इसकी कहानी भी अच्छी है। इसमें दिया है, नाजी शब्द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से निकला है। हिटलर जब नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता बना तो इस दल को नाजी पार्टी के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक ना बच्चों। तो इस नाजी शब्द का बारे में हमने यहाँ भी उल्लेख किया है, इसको आप लोग क्लियर में लिखेंगे, इसे दो चार बार पढ़ेंगे ताकि आप लोग को यह है बात समझ में आ जाए। अब कह रहा है कि हिटलर जो कौन था, हिटलर के द्वारा ही ना जो है नाजी पार्टी का जो है ये किया गया है, स्थापना की गई है। और आगे कह रहा है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोनो नामक गांव में 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। हिटलर का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा था। हिटलर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हिटलर जो था बहुत ही गरीब घर का लड़का था और हिटलर के जो है खाने के लिए भी सामग्री घर में उपलब्ध नहीं थी, पढ़ने की तो बात अलग है। हिटलर जो था अपनी जीविका चलाने के लिए जो है शिल्पीकार का काम किया था और अनेक प्रकार की जो है यातनाओं को जो है झेला था। हिटलर जो है उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और ठीक से पढ़ भी नहीं पाया और जैसे तैसे जो है मैट्रिक की परीक्षा दिया और मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के समय वह जो है जर्मन सैनिक में भर्ती हो गया। जर्मन सैनिक में जब वह भर्ती हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने बहुत ही वीरता दिखाया। वह जो है सैनिकों में वह अपना एक विशेष छवि रखने का जो है पूर्ण रूप से प्रयास किया। वह प्रथम विश्व में घायल भी हो गया और वह जो है अस्पताल में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन वह विश्व युद्ध के जो है खबरों पर निरंतर जो है नजर रखने लगा। एक जर्मनी देश से एक मित्र राष्ट्रों के द्वारा उसमें एक संधि की गई जैसे कि वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साय की संधि में जर्मनी पर जो है अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, उसके क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में बांट लिया गया, उस पर जो है भारी भरकम जो है हर्जाना भी लगा दिया गया और उसमें जो भी कल कारखाने, उद्योग धंधे, अस्पताल, सड़क, ये सब जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो नष्ट हो गए थे उन्हें बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि सैनिकों को जो है छटनी करके उसमें से कुछ सीमित मात्रा में ही सैनिकों को जो है जर्मनी में रखना था। इस तरह के अपमानजनक शर्तों से जर्मनी को जो है खिला कर रखना, जर्मनी वासी इस तरह के शर्त को अपने ऊपर एक कलंक के रूप में देखने लगे। उस कलंक को धोने के लिए भीतर ही भीतर जो है प्रतिशोध की भावना में जो है जर्मनी वासी जलने लगे। और चूंकि हिटलर जो था वह अस्पताल में भर्ती था घायल होने के बाद, तो वह सारे चीज़ों पर, खबरों पर, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सारे खबरों पर जो है वह नज़र रख रहा था। और जैसे ही अस्पताल से वह निकला, क्योंकि हिटलर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था,
वह जैसे अस्पताल से निकला वह नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का जो है सदस्य बन गया और वह लोगों को जो है आत्मविश्वास दिलने के लिए जीतने के लिए जो है राजनीति में उतर गया और लोगों में इस तरह का विश्वास दिलाया कि इस कलंक को मैं जो है धो दूंगा और जर्मनी वासियों को जो है कलंकित होने से बचा दूंगा। हिटलर के बातों में इस तरह का आकर्षण था, लोकप्रियता जो है उसके दिन पर दिन बढ़ने लगी और नाजी पार्टी से लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने लगे। हिटलर का व्यक्तित्व जो था वह आकर्षक था, लोग जो है उससे अधिक प्रभावित होने लगे और जो है वह हिटलर जो है आगे चलकर प्रधानमंत्री बना, उसके बाद जर्मनी का जो है वह राष्ट्रपति बना। तो बच्चों आपका जो है इसे हमारे बताए हुए बातों को छोटे मोटे सनात की कहानियों को जो है आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। किताब में जो है दो चार बार निश्चित रूप से पढ़ेंगे ताकि हमारी बातें को जो है आपको समझ में आ जाए। हिटलर जो है अनेक प्रकार के जर्मनियों के लिए जो है जर्मनी वासियों के लिए काम किया, उन्होंने सैन्य विस्तार, कल कारखानों की स्थापना, ठीक ना, उसमें जो है आर्थिक सुधार जो है ब्रिटेन के साथ समझौता इत्यादि करके जो है जर्मनी वासियों को जो है निश्चित बहुत ही आगे की तरफ ले गया और जो है जर्मनी के लिए जो है मील का पत्थर साबित। आगे चलकर हिटलर में आप लोग देखेंगे कि वह तानाशाह भी बन गया, ठीक ना, वह अपने मार्ग में आने वाले जो भी अवरोधक रहते थे, रुकावट बनते थे, उनको जो है वो मौत के घाट उतार। रातों रात योद्धों का जो है हजारों योद्धों को जो है उन्होंने मौत के घाट जो है उतार दिया, उतरवा दिया और जो है अनेक प्रकार के जो भी उसके विरोधी रहते थे, जो भी विरोधी हो उनको जो है रास्ते से हटाने का कार्य करता था। तो बस जो हिटलर के बारे में और सब बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बच्चों ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही प्रेरणा देगा, आप लोग जो है किताब के माध्यम से एक बार निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे किताब के अध्याय को और आगे तक जो है फिर जो है हम लोग बदलाव करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।